A very good evening, namaste and sat sri akal dosto, main hu RJ Divya Sharma aur ye hai aapka apna show Inspirational Wings Season 2. To bilkul taiyar ho jaiye ek aur inspiring motivating ride ke liye. Well dosto, agar aap chahte hain ki main koi cheez डिलीट करूं या फिर ऐड करूं आपके शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 में, तो बेझिझक मुझे लिख के भेज सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com और आप मुझे स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN. सो लेट अस मूव फर्दर टू अवर टुडेज इंस्पायरिंग राइट. कीप मोटिवेटिंग एंड कीप स्माइलिंग. Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udaan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudaan.com. So, dosto, in this segment, we are going to talk about a story. जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी, बताएगी और शायद हमारे जो सोचने के नजरिए हैं वो भी बदल सकती है. तो चलिए फिर बढ़ते हैं स्टोरी की ओर. हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बात करूंगी, तो जो हिंदी लिसनर्स है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश लिसनर्स है जो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए फिर बढ़ते हैं स्टोरी की ओर. एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट दिस स्टोरी, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी. वेल, जो हम टाइटल कह सकते हैं स्टोरी का, वो है मैच्योरिटी. हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, मैच्योरिटी, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, आप किस तरीके से बता सकते हैं कि मैच्योरिटी होती क्या है. जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि लुक, मैं तो तुम्हारे से बड़ा हूँ या मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मैच्योर हूँ. या कई बार हम कहते हैं कि हमें ज्यादा तजुर्बे हैं, हमने ज्यादा एक्सपीरियंस किया, इसलिए हम ज्यादा मैच्योर हैं. फलाना ढिकाना, हम अक्सर कई बातों में कह देते कि तुम रहने दो, मैं ज्यादा मैच्योर हूँ. या मैच्योरिटी उसमें नहीं है, मुझ में है, मुझ में नहीं है, किसी और में है. तो दोस्तों, जान लेते हैं कि मैच्योरिटी है क्या. जी हाँ, इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट अवर सेल्फ्स कि हम कितने पानी में. तो चलिए फिर बढ़ते हैं स्टोरी की ओर. स्टोरी का टाइटल है मैच्योरिटी, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, कि आप कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैच्योरिटी, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, मे बी इट इज द एबिलिटी टू रिसिस्ट सम स्मॉल विम्स और नीड फॉर इमीडिएट रिवार्ड एंड बेटर चूजिंग द एक्शंस दैट विल पे ऑफ सम टाइम लेटर. जी हाँ, हो सकता है कि जो मैच्योरिटी है वो है कि आप में कितनी एबिलिटी, कितनी काबिलियत है कि आप कुछ, आपको किसी ने कह दिया तो आप एकदम से रिजिस्ट कर जाएं, कि आप एकदम से रिएक्ट ना करें, एकदम से कुछ जवाब ना दे दें गुस्से में, या फिर एकदम से आपके मूड स्विंग्स ना बदल जाएं. विम्स यानी कि आपकी एकदम से मन किया कि मैं ये खरीदूंगा या मैं ये खरीद लूंगी, वो एकदम से ना है, आप सोच समझ के डिसीजन लें. शायद ये मैच्योरिटी है. या फिर शायद मैच्योरिटी ये है नीड फॉर इमीडिएट रिवार्ड, कि मैंने ये काम किया तो मुझे तो तरक्की मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए, मार्क्स आने चाहिए मेरे अच्छे, एकदम से आप कहने लगो, शायद ये मैच्योरिटी. या फिर शायद बेटर चूजिंग द एक्शंस दैट विल पे ऑफ सम टाइम लेटर. और शायद कुछ ऐसे रास्ते अपनाने में मैच्योरिटी है जो शायद एकदम से तो नहीं पर लेटर, बाद में आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा दे दें, पे ऑफ कर दें. तो दोस्तों, मैच्योरिटी किस में है, चलिए बढ़ते हैं आगे. मैच्योरिटी इज ऑल्सो अ वेल मेजर्ड परसिस्टेंस, नोइंग यूर ट्रू गोल्स एंड सीकिंग देम डिस्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑन योर वे. जी हाँ, जो मैच्योरिटी है वो है कि आप अपने जो चलने की, बढ़ते जाने की लगन है, परसिस्टेंस है कि लगे रहना, बढ़ते रहना,
उसको मैयर करे कि हाँ आप नहीं रुक रहे, बढ़ते जा रहे हैं। नोइंग योर ट्रू गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं जिंदगी से, क्या बनना चाहते हैं, या फिर सीकिंग देम डिस्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑन योर वे। जी हाँ, गोल्स तो पता है, पर आप बिल्कुल डेडिकेटली बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, हर्डल आ जाए, फिर भी आप अपने रास्ते पे डटे हुए हैं, तो शायद ये है मैच्योरिटी। जी हाँ, ये है मैच्योरिटी। इट इज द एबिलिटी टू यूज योर स्किल्स एंड नॉलेज एंड डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड। जी हाँ, मैच्योरिटी वो है जिसमें आप अपने जो एबिलिटी है, काबिलियत है, स्किल्स है जो आपके, और नॉलेज है, जानकारी है आपको, उसे और पॉलिश करें, उस पर और काम करें। जितना एक्सपेक्टेड है कि आप सोचे कि मैं इतने मार्क्स लूंगा, उससे ज्यादा अपना काम करें, उससे ज्यादा अपना इनपुट डालें, विदाउट एनी मोर एक्सपेक्टेशंस, कि आप सोचे कि बस करते जाना है, तो ये है मैच्योरिटी। एंड ऑल्सो इट इज हैविंग अ सेंस व्हाट इज वर्थ फाइटिंग एंड व्हाट इज नॉट। जी हाँ, ये भी मैच्योरिटी है कि क्या जो हम, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं लड़ाई, या जिस चीज पे हम चले हैं, जिस रास्ते पे हमने कदम बढ़ाए हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, ये भी मैच्योरिटी है डिसाइड करना। जी हाँ बिल्कुल, इट इज हैविंग अ सेंस व्हाट इज वर्थ फाइटिंग एंड व्हाट इज नॉट। तो दोस्तों, इसी तरह मैच्योर पर्सन इज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और अदर अनप्लेजेंट सिचुएशंस। जी हाँ, मैच्योरिटी उसमें झलकती है जो व्यक्ति जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए, ऐसे हालात हो जाए, जब गुस्सा आ जाए, तब अपने गुस्से को रोक ले एकदम से, तो वो सही मायनों में मैच्योरिटी वो है। ही सॉल्व्स द अकरिंग प्रॉब्लम्स विद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। जी हाँ, मैच्योरिटी इसमें भी है कि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव, जो हो सकते हैं, प्रैक्टिकल है, उन अप्रोच से देखते हैं और उसी तरह काम करता है, और वो कंप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करता है रास्ते। तो दोस्तों, ये ऐसे जो डिसीजन है, ऐसे काम है, इनमें मैच्योरिटी छुपी रहती है। ये मैच्योर बताते हैं कि कितना मैच्योर है एक व्यक्ति। He knows that he cannot control everything. Thus, sometimes you just need something to let go. जी हाँ, जो व्यक्ति मैच्योर है वो ये भी जानते हैं कि वो हर चीज, हर सिचुएशन, हर हालात नहीं संभाल सकता, हर चीज उसके हाथ में नहीं है, तो कई बार उसको लेट गो करना पड़ेगा, कई चीजें उसे हाथ से जाने देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये भी एक मैच्योरिटी है। ये नहीं कि आप स्टबर्न हो जाए, जिद्दी हो जाए कि नहीं, ये तो मेरे कंट्रोल में होना ही चाहिए, सब कुछ होना चाहिए मेरे कंट्रोल में। इट्स नॉट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज व्हेन यू नो दैट एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल्ड और यू एक्सेप्ट दैट सम थिंग्स आर बेटर लेट गो। तो दोस्तों, ऐसे ही मैच्योरिटी इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी। जी हाँ, व्हेन पर्सन इज एबल टू एडमिट his mistakes, forget his pride and at the same time preserve his dignity. जी हाँ, maturity उसमें भी छुपी है कि आप अपनी गलती माने, अपनी pride को कुछ देर के लिए अपनी जेब में डाल लें और अपनी dignity की आप हलीमता से हर चीज situation में अपनी mistake माने without any pride. तो दोस्तों, इसमें भी maturity छुपी है। मैच्योरिटी इज योर एबिलिटी टू लाफ एट योर सेल्फ। जी हाँ, कई बार गलती हो जाती है तो आप अपने आप हंसिए कि अरे ये तो हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक मैच्योरिटी है, ना कि ये कि आप रोने लग जाए कि अरे ये क्या हो गया मुझसे। कई बार अपनी गलतियों पे हंस लेना भी मैच्योर होने का एक, कह सकते हैं कि एक स्किल है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैच्योर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल। जी हाँ, जो मैच्योर होते हैं व्यक्ति, उन पे हम भरोसा भी कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं कि जो उनको दिया जाता है काम, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अधिकार समझते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझते हैं, करते हैं। तो मैच्योर पीपल ये नहीं कि सोचे कि हो गया तो हो गया, नहीं तो जाओ, नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। हिज वर्ड्स ऑलवेज गो अलोंग विद हिज एक्शंस। जी हाँ, वो बोलते ही नहीं, साथ में काम करके दिखाते हैं। He keeps his word, so people
know that they can count on him. जी हाँ, जो वो कहते हैं लोग, जो mature लोग होते हैं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जरूर करते हैं, ताकि जो आसपास लोग हैं वो समझ जाएं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा. तो दोस्तों, ये इन चीजों में maturity दिखती है. जी हाँ, बिल्कुल दिखती है और झलकती भी है. तो दोस्तों, ऐसे ही maturity is also an ability to be flexible and being aware that learning and self-improvement are necessary along your way. जी हाँ, maturity इसमें भी छिपी है कि आपको पता हो कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको सीखनी होती है. सीखते रहते हैं हम सब. ऐसा नहीं कि हम सब में कोई व्यक्ति ऐसा जिसको सब कुछ पता है. नहीं, इट्स अ ongoing process. तो दोस्तों, एक mature व्यक्ति वही है जो जानता है कि हर समय उसे सीखते जाना है आगे, और उसे अपने आप पे काम करते जाना है, अपने आप को और बेहतरीन बनाते जाना है. तो learning and self-improvement are necessary along your way. जी हाँ, सीखते जाना है आपको. ये नहीं एक चीज के बाद आप सोचे मुझे तो सब कुछ आता है, तो इट्स नॉट मैच्योरिटी. तो दोस्तों, मैच्योरिटी इसी में कि आप अपने पे काम करते ना सीखते जाए. तो ऐसे ही मैच्योरिटी इज बीइंग इन परमानेंट हार्मनी विद एवरीथिंग. जी हाँ, हर चीज से शांति से रहने की कोशिश करना, इसमें भी एक मैच्योरिटी झलकती है. मुश्किल चीजें हैं ये, पर जो अपना ले तो तभी तो मैच्योरिटी एक भारी भरकम शब्द है, जो कि अक्सर हम कह देते हैं कि मैं तो बहुत मैच्योर हूँ. पर ये जो आज की स्टोरी है या कुछ एक ये लाइन है, ये सुन के आपको लगेगा कि आप वाकई में आप क्या मैच्योर हैं. थिंक अबाउट इट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इट मीन्स दैट पर्सन इज बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ विद अदर पीपल विद नेचर. जी हाँ, कि वो शांति बना रखते हैं अपने आप से, लोगों से और नेचर से, हर चीज से. कोशिश करता है वो कि हर चीज स्टेबल रहे. मैच्योरिटी मीन्स लिविंग इन द मोमेंट, एप्रिशिएशन ऑफ सिंपल थिंग्स, बीइंग माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग. जी हाँ, मैच्योरिटी इसमें भी झलकती है कि आप जो समय है उसमें जिए, जो मोमेंट है उसमें जिए, और एप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीजों को. ये नहीं कि ताजमहल मिलेगा तभी मैं खुश होगा, या फिर कोहिनूर का वो मिलेगा तभी खुश होगा. नहीं, छोटी छोटी चीजों में जो खुशी ढूंढता है वो मैच्योर है. बीइंग माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज को सोचे, ये नहीं बिना सोचे एक्ट कर दे. तो ये भी मैच्योरिटी कहलाती है, जो सोच के हर चीज बारे में सोच के करे कुछ. इट मीन्स दैट यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू फील ग्रेटिट्यूड ऑफ व्हाट यू डू हैव नाउ, रादर देन टू बी लुकिंग बैक ऑन फॉरवर्ड. जी हाँ, मैच्योरिटी उसी में ही है कि आप खुश हैं जो आपके पास है, जो आपके पास था, जो आपके पास होगा, ना कि ये क्यों था, अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा. तो ये मैच्योरिटी नहीं चल करती. तो दोस्तों, मैच्योरिटी इज नॉट कम्पीटिंग बट शेयरिंग. जी हाँ, मैच्योरिटी ये नहीं कि आप कंपेयर करें किसी से कि ये चीज मुझे पता लगी तो मैं निकल जाऊंगा, मैं उसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊंगा. नो दोस्तों, ये मैच्योरिटी नहीं है. मैच्योरिटी इसी में कि आप सीखें, शेयर करें, कुछ आपको पता है तो आप औरों को सिखाएं. तो ये मैच्योरिटी. दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने कुछ एक बातें की कि मैच्योरिटी होती क्या है, बीइंग मैच्योर होता क्या है. तो दोस्तों, अब आप पे कि आप सोचें कि आप मैच्योर हैं कि नहीं. सो दोस्तों, इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी, और आई शुड से दैट इट वॉज काइंड ऑफ एन आर्टिकल ऑन मैच्योरिटी. हाउ कुड यू से दैट यू आर मैच्योर इनफ or not. So, dosto, I hope you like this segment. I'll be right back just after this short break. You are listening Inspirational Wings Season 2. Agar aapko ye pasand aayi hai ye story ya fir article bhi keh sakte hain, to bilkul feedbacks dena na bhuliyega. Hamari website hai www.radioudaan.com. So, dosto, stay tuned. Happy listening. मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा. जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँ गमैना, तुझसे मुझे सब अता. मुझ में तू,
जैसे ख्वाब सा। Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udaan. तो दोस्तों चलिए फिर इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन ऑडियो क्लिप। जी हाँ, रादर वी आर गोइंग टू लिसन टू अ ब्यूटीफुल ऑडियो क्लिप। तो चलिए देखते हैं आज की ऑडियो क्लिप में क्या है, महत्वपूर्ण, एनकरेजिंग, पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म देने वाला या फिर बिल्कुल फ्रेश कर देने वाला। तो चलिए सुनते हैं ऑडियो क्लिप। वेल, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ अपने लिसनर्स को, ये जो ऑडियो क्लिप है ये हिंदी में है और इसको हम टाइटल दे सकते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, जिंदगी एक बार मिलती है तो देखते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में आज क्या ऐसा है जो हमें बिल्कुल
रिफ्रेश कर देगा। तो चलिए फिर सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। समय और ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं ऑडियो क्लिप की ओर। हैप्पी लिसनिंग एंड अगर आपके पास भी कोई ऑडियो क्लिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू एड योर ऑडियो क्लिप्स इन दिस इंस्पिरेशनल शो। तो दोस्तों हैप्पी लिसनिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। Hey, hello. आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में मोटिवेशनल टिप्स देता हूँ, गोल्स की बातें करता हूँ, बड़े सपनों की बातें करता हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत वीडियोस होती हैं जिसमें मैं फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स और हैप्पीनेस की बातें करता हूँ। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग गोल की तरफ इतना देखते हैं कि उस गोल की तरफ जा रहे रास्ते को, उस जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपने जाना है दिल्ली टू श्रीनगर बाय रोड, तो क्या आप सारा रास्ता इसी टेंशन में बिता लोगे कि श्रीनगर जाना है, श्रीनगर पहुंचना है, श्रीनगर कब आएगा, या फिर उस रास्ते को एंजॉय करोगे? क्या आप घर से निकलने से पहले ही गाड़ी में बैठते ही बोलोगे यार मैं गोली खा के सो रहा हूँ, जब श्रीनगर आ जाए तो उठा देना, या फिर उस ड्राइव को, उस रास्ते को एंजॉय करोगे? आई नो आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि आप उस रोड ट्रिप को एंजॉय करोगे। दिल्ली से जब बाहर निकलोगे तो सुबह मुरथल में परांठों के साथ ब्रेकफास्ट करोगे, फिर करनाल हवेली में लंच एंजॉय करोगे, फिर उस पंजाब हरियाणा की हाईवेज पे, जीटी रोड पे ड्राइव एंजॉय करोगे, साथ में म्यूजिक सुनोगे। फिर पंजाब के ढाबों का डिनर, फिर जम्मू में तवी रिवर को उसका नजारा एंजॉय करोगे, फिर पत्नीटॉप की वैलीज, उसके बाद पहुंच जाओगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्रीनगर। इसी तरह से हमारी लाइफ होती है, कुछ लोग गोल पे इतना फोकस करते हैं कि उस सक्सेस नाम की जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। गोल को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं कि जब मंजिल पे पहुंच के पीछे मुड़ के देखते हैं तो रियलाइज होता है कि बहुत कुछ खो चुके हैं। एक पुरानी याद फिर से आ गई, एक पुराना ख्वाब फिर से रो दिया, चल दिया जो लोग पीछे छोड़ के, चंद टुकड़े पा लिए और सब खो दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी विशेष नहीं होने चाहिए, बड़े डिजायर्स नहीं होने चाहिए, बड़े सपने नहीं होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कहीं खुशी की तलाश में खुश होना ना भूल जाना, क्योंकि अगर आप आज खुश नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं होगे। ये टू डू लिस्ट तो चलती रहेगी, ये पेंडिंग टास्क बढ़ते रहेंगे। जब आप आखिरी सांस ले रहे होगे ना, तब भी कुछ टास्क पेंडिंग होगे, तब भी कुछ विशेष पेंडिंग होगी। ये जिंदगी भर का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। बट गोल्स को अचीव करने का मजा तभी आएगा अगर आपके अपने आपके साथ होंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी, अपनों का प्यार होगा और आप खुशी खुशी उस मंजिल तक पहुंचोगे, उस गोल को अचीव किया होगा। उस एक्सपेंसिव कार को चलाने का मजा भी तभी आएगा अगर साथ वाली सीट में कोई अपना बैठा होगा। उस गोल्फ क्लब की मेंबरशिप का मजा भी तभी आएगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उस महंगे मोबाइल का मजा भी तभी आएगा अगर उस पे बात करने के लिए कोई होगा, घर में कोई है। उस बड़े घर का मजा भी तभी आएगा अगर उसमें आपके अपने आपके साथ होंगे। सो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुशियां बांटते हुए इस सक्सेस नाम की जर्नी पे चलते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों थी ना ये बिल्कुल बेहतरीन सी ऑडियो क्लिप, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप काफी कुछ सिखा जाती है, कुछ बता जाती है और शायद हम कुछ सीखे भी होंगे आज इससे। तो दोस्तों आशा यही है मुझे कि आपको बिल्कुल पसंद आई होगी ये ऑडियो क्लिप। तो इसी तरह खुश रहिए और याद रखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और अगर आपके पास भी कोई इंस्पायरिंग, एनकरेज कर देने वाली ऑडियो क्लिप्स हैं, प्लीज शेयर कीजिए ताकि और लिसनर्स के साथ मैं शेयर करूं। और यू नेवर नो व्हिच ऑडियो क्लिप कैन प्रूव अ मिरेकल फॉर अ पर्सन। तो दोस्तों चलिए फिर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। पर बिफोर दैट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट एड। हैप्पी लिसनिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग। यू आर लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 only on Radio Udaan, a flight of life with RJ Divya Sharma.
मुद्दे जो बात करें हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning session is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this. 2+1=3. 3+4=21. 5+6=55. Then 4+8=4. What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। You are listening to Radio Udaan, a fight of life. www.radioudaan.com. तो आइए दोस्तों, अब इस सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं थॉट्स, सेइंग्स और क्यूट्स का। जी हाँ, कुछ ऐसी लाइनें जो हमें कुछ फ्रेश कर देंगी, लाइटन अप कर देंगी, हमारा मूड चेंज कर सकती है या फिर शायद हमें खुश भी कर दे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इन इंस्पायरिंग हैप्पी थॉट्स की ओर। तो चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे, कुछ एक क्यूट्स की शुरुआत करने लगी मैं आज भी, तो हैप्पी लिसनिंग। पहला थॉट इस शाम का ये रहा, रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स even if they don't mean anything to you, because it could mean everything to them. जी हाँ, हमेशा जो लोग आपको प्यार करते हैं या आपके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट किया करिए, क्योंकि हो सकता है उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी इमोशंस हैं, उनकी कदर हमारे लिए कोई ना हो, पर वो फीलिंग्स उनके पास बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, या फिर शायद वो फीलिंग्स ही हैं जो वो रखते हैं अपने पास। तो दोस्तों याद रखिए, रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स इवन इफ दे डोंट मीन एनीथिंग टू यू, बिकॉज इट कुड मीन एवरीथिंग टू देम। ये सब कुछ हो सकती है उनकी।
तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले थॉट की ओर। मिस्टेक इज अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक बट रिलेशन इज अ कंप्लीट बुक सो डोंट लूज द बुक बिकॉज ऑफ अ सिंगल पेज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। जो गलती होती है वो एक पन्ना होता है एक पूरी किताब का, जो एक गलती होती है वो एक रिलेशनशिप में एक गलती ही होती है। पर दोस्तों एक गलती की वजह से अपना जो सुंदर सा रिलेशन है वो मत टूटने दें। जी हाँ, मिस्टेक इज अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक बट रिलेशन इज अ कंप्लीट बुक सो डोंट लूज द बुक बिकॉज ऑफ अ सिंगल पेज। तो अगली बार कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए, पर याद रखिए आपका रिलेशन ना खराब हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले थॉट की। थ्री थिंग्स कांट बी हाइड। जी हाँ, तीन चीजें जो छुपाई नहीं जा सकती क्या है वो? द मून, द सन एंड द ट्रूथ। जी हाँ बिल्कुल, जितना मर्जी तूफान आ जाए, जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, मून जो चंद्रमा है बिल्कुल निकलता है, जो सूरज है वो अवश्य निकलता है, और साथ ही सच, चाहे वो कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद, कुछ हफ्तों बाद, सालों बाद ही क्यों ना, डिकेड्स के बाद ही क्यों ना, सच सामने जरूर आता है। तो दोस्तों याद रखिए हमेशा, थ्री थिंग्स कांट बी हाइड, द मून, द सन एंड द ट्रूथ। तो चले बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। द पास्ट कैन हर्ट बट द वे आई सी इट यू कैन नीदर रन फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। जी हाँ बिल्कुल सही, जो हमारा पास्ट होता है, अतीत होता है, वो जो है वो हमें अक्सर दुख पहुंचाता है, पर जैसे कि मैं देखती हूँ इस चीज को, वो यही है कि या तो आप इससे सीख जाएं या आप इससे भागते रहें। तो दोस्तों चॉइस इज योर्स, द पास्ट कैन हर्ट बट द वे आई सी इट यू कैन ईदर रन फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। या तो आप इससे भाग सकते हैं या इससे सीख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। इफ 5 मिनट्स ऑफ स्माइल कैन मेक योर फोटो ब्यूटीफुल जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ विल बी इफ यू ऑलवेज स्माइल। जी हाँ, कितना खूबसूरत सा ये थॉट था। अगर 5 मिनट की जो मुस्कुराहट है वो आपकी फोटो में जान डाल देती है, बिल्कुल सुंदर कर देती है फोटो को, तो जरा सोचिए कि अगर आप अक्सर मुस्कुराते रहे तो आपकी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी खुशहाल हो जाएगी। तो इफ 5 मिनट्स ऑफ स्माइल कैन मेक योर फोटो ब्यूटीफुल जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ विल बी इफ यू ऑलवेज स्माइल। तो दोस्तों इसी के साथ जो लास्ट थॉट है हमारी इस शाम का ये रहा, डोंट लूज होप When the sun goes down, the stars come out. जी हाँ, कभी भी जो होप है वो मत लूज कीजिए, कभी भी होप मत छोड़िए, क्योंकि जब सूरज भी नीचे ढलता है तब तारे निकल आते हैं। कहने का मतलब ये कि जब एक रास्ता बनता है तो दूसरा रास्ता अवश्य निकल के आता है। तो दोस्तों याद रखिए, डोंट लूज होप, कभी भी होप मत छोड़िए। When the sun goes down, the stars come out. तो दोस्तों आई होप यू रियलाइज्ड दीज थॉट्स। वेल, अगर आपके पास भी कुछ सेइंग्स हैं, थॉट्स हैं, क्यूट्स हैं, कुछ भी है तो आप शेयर कीजिए। मैं इस शो के इस सेगमेंट को 4 चांद लगाऊंगी आपके थॉट्स के साथ, और क्या पता कौन से लिसनर को आपका थॉट बहुत ही पसंद आता है, उनकी जिंदगी बदल के रखते हैं। तो दोस्तों कीप मोटिवेटिंग, चलिए कदम बढ़ाएं पॉजिटिविटी की ओर। इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 में ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो दोस्तों चलिए मैं मिलती हूँ आपको एक छोटी सी एड के बाद। विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। धीरे धीरे धड़के आज होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का, इतना है हौसला मिटना फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। से तो उम्मीदें हैं,
ये दोस्तों, इस सेगमेंट में भी हम बात करेंगे एक और स्टोरी की। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो शायद हमें कुछ न कुछ सिखा जाए, कुछ न कुछ बता जाए, या फिर शायद हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर जाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। और इससे पहले कि हम ये स्टोरी शुरुआत करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो ये कहानियों की हम बात करते हैं इस शो पे, वो हम हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी हिंदी लिसनर या इंग्लिश लिसनर सफर करे या सुन ना पाए या लुप्त ना उठा पाए इन स्टोरी का, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो चलिए फिर, लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनने देंगे, हर भाषा में हम बात करेंगे। और बढ़ते हैं स्टोरी की ओर, हैप्पी लिसनिंग। स्टोरी का टाइटल मैं देना चाहूंगी एन आई ओपनर। जी हाँ, एन आई ओपनर, आंख खोल देने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कपल। They were sitting in a room and were talking about certain several things. जी हाँ, एक बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक रूम में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कई चीजों की, यहाँ वहाँ की बातें। It was a time around festival of Baisakhi. जी हाँ, ये जो समय था कुछ बैसाखी के आसपास का समय था। They were busy in cleaning up the हाउस। जी हाँ, वो घर वगैरह साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि फेस्टिवल आ रहा था। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि घर वगैरह और सजाते हैं, तो वो ही चल रहा था। आफ्टर सम टाइम वाइफ आस्क्ड द हस्बैंड, वेल डियर, आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग 500 रुपीज टू द मेड बिकॉज शी इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे ऑफ वन वीक एंड शी विल बी कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, सो It will be given as a bonus. What do you say? जो wife थी उसने अपने husband को कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जो वो maid है, काम करती है, उसे 500 रुपए दे दूँ क्योंकि वो छुट्टियों के लिए जा रही है, जैसे कि बैसाखी है तो वो छुट्टियों पे जा रही है और 5 दिन के बाद आएगी, तो ये जो 500 रुपीज है ये एज अ बोनस मैं उसे दे देती हूँ, उसके काम आ जाएगी, वो enjoy कर लेगी। The husband listened to the talk and said, husband ने बात सुनी और कहा, why? What's the need of it? क्यों इसकी क्या जरूरत है? It's just waste of money. Don't give it. ये तो ऐसी पैसे उड़ाने वाली बात है, कोई जरूरत नहीं है देने की। On this, the wife said further. इस पे जो पत्नी थी उसने आगे कहा, No, no. I will definitely give her 500 rupees. After all, she is going to her hometown, her home, after a long time, and then she'll be meeting her son, daughter-in-law, and grandson. So, I'll give her. She will enjoy the festival. जी हाँ, जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं बिल्कुल दूंगी 500 रुपए उसे, क्योंकि वो बहुत समय बाद अपने होम टाउन घर जा रही है और वहाँ पे उसके जो बेटा है, बहू है और ग्रैंड सन है, उनके साथ वो थोड़ा बहुत समय बताएगी और पैसे क्या पता बहुत काम आ जाए उसके, वो एंजॉय कर ले, मजा कर ले थोड़ा। वेल ऑन दिस द हस्बैंड केप्ट मम, वो चुप हो गया। द वाइफ फर्दर सेड, इस पे आगे पत्नी बोली, वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ हैविंग पिज्जा दिस इवनिंग, सो आई एम गोइंग टू कॉल द पिज्जा हट एंड कैंसलिंग माई ऑर्डर ऑफ दिस इवनिंग। जी हाँ, इस पे आगे पत्नी ने कहा कि मैं सोच रही हूँ जो आज हमने पिज्जा का ऑर्डर किया है वो हम कैंसिल कर देते हैं। और ये कहते कहते वो फोन करने चली जाती है पिज्जा हट वालों को ताकि वो कैंसिल कर दे ऑर्डर। ऑन दिस द हस्बैंड सेड, नो डोंट डू दैट, वील हैव इट नाउ, यू आर गोइंग टू मेक मी सफर बिकॉज ऑफ That 500 rupees? No, I will have pizza. Husband ने कहा कि अब उन 500 रुपए की वजह से तुम मेरा पिज्जा कैंसिल कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। The wife didn't pay any attention to it. पत्नी ने कोई बात को तवज्जो नहीं दी और उसने फोन करके कैंसिल कर दिया। The husband get angry, but then everything sorted out. जो पति था इस पे थोड़ा गुस्सा जरूर हुआ, पर थोड़ा समय बाद वो सब नॉर्मल हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। The maid went for holiday. जो
काम करने वाली थी वो चली गई छुट्टियों पे। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, व्हेन द मेड रिटर्न्ड, द हस्बैंड वाज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। जब वो जो मेड थी एक हफ्ते के बाद वापस आई तो वो जो हस्बैंड था वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। ही नोटिस्ड दैट द मेड वाज स्टैंडिंग देयर, सो ही आस्क्ड हर। उसने पति ने ध्यान दिया कि वहाँ पे मेड काम करने वाली आ गई थी और खड़ी हुई थी, तो उसने पूछना चाहा मेड से, हाउ वाज योर हॉलीडे, तुम्हारी छुट्टी कैसी थी। सो हाउ डिड यू स्पेंड द 500 रुपीस मैम गिव यू। उसने कहा कि तुमने फिर वो जो 500 रुपए जो मैडम ने दिए थे वो कैसे खर्चे। द मेड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, जी हाँ, वो बहुत ही खुश थी और बहुत एक्साइटेड होके बताने लगी, जी सर, आई जस्ट टुक सम गिफ्ट फॉर माई ग्रैंड सन एंड देन आई ब्रॉट सम कुकीज एंड सम क्लोथ फॉर माई डॉटर इन लॉ एंड लास्टली आई ब्रॉट अ टाई फॉर माई सन एंड देन द रिमेनिंग 100 रुपीज आई स्पेंट ऑन माई फेयर, बस फेयर, एंड इन दिस वे आई यूटिलाइज 500 रुपीज एंड हैड अ ट्रायरेबल, अ प्लेयरेबल एंड अ टाइम फुल ऑफ जॉय विद माई फैमिली। आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम वर्किंग एट योर प्लेस। थैंक यू सो मच सर। जो वो मेड थी उसने कहा कि वो बहुत खुश होके बोली कि उसने वो जो 500 रुपए थे उनमें से कुछ गिफ्ट्स खरीदे अपने ग्रैंडसन के लिए और आगे उसने अपनी जो डॉटर इन लॉ थी बहू थी उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने बेटे के लिए एक टाई खरीदी और जो बचे 100 रुपए थे उनमें उसने जो कराया था बस का वगैरह वो भरा। इस तरह उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत काम आए उसके 500 रुपए और उसने बहुत ही अच्छी तरह से छुट्टियों का लुत्फ उठाया। तो वो बहुत ही धन्यवाद करने लगी सर का और चली गई। फिर ये कहने के बाद सर दैट पर्सन हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, जी हाँ, वो हस्बैंड सरप्राइज दंग रह गया। ही वाज शॉक्ड रादर, वो हालांकि वो शॉक्ड लग रहा था, क्यों, क्योंकि ही नेवर थॉट ऑफ 500 रुपीज इन दैट सेंस, जी हाँ, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि 500 रुपए में इतना कुछ आ सकता है, बिकॉज ही वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ पिज्जा दैट टू वाज अराउंड 600-700 रुपीज एंड जस्ट 4 पीसेस, जी हाँ, क्योंकि उसने तो पिज्जा वगैरह खाना था, पिज्जा ही खाता है वो, और उसने पिज्जे के जो पीसेस थे वो सोचे कि 4 पीस और 600-700 रुपीज, और वहाँ पे जो मेड थी उसने 500 रुपीज में इतना कुछ कर दिया, सबके लिए कुछ कुछ खरीद लिया, अपना किराया का रुपीज निकाल लिया, तो कितना कुछ कर लिया। सो इट अल्टीमेटली इवेंचुअली ओपन्ड हिज आईज, जी हाँ, ये जो बात उसके सामने आई उसकी आंखें खोल दी, उसने समझा, उसको एक सबक मिला कि इतने रुपीज में भी कितना कुछ, कितनी खुशियाँ पाई जा सकती है। तो दोस्तों इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पिज्जाज, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और एनीथिंग एल्स, इट्स ऑलवेज अबाउट हैप्पीनेस, इट्स नॉट अबाउट बिग थिंग्स, इट अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटी चीजों में, सस्ती चीजों में भी खुशी, प्यार और लुप्स उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी एन आई ओपनर, जी हाँ, बिल्कुल आंखें खोली होंगी स्टोरी ने आपकी भी कि कैसे उस मेड ने 500 रुपए में इतना कुछ अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर दिया, खुश हो गई वो, और दूसरी तरफ वो जो हस्बैंड था वो ना कर रहा था देने को और 500 में तो उसका पिज्जा भी नहीं आना था। तो दोस्तों आई होप यू रिलिस्ट दिस सेगमेंट, वेल आई होप यू लव्ड इट एंड इफ यू डू हैव अ सिमिलर स्टोरी और एनीथिंग दैट इंस्पायर्स मोटिवेट्स do share with us. I will definitely share it on our show Inspirational Wings Season 2 only on Radio Run, A Flight of Life. So I'll be right back just after this short musical ad. You are listening Inspirational Wings Season 2. Happy listening.
falsafa kandhe pe mera basta chala main jahan le chala mujhe rasta boondon pe nahi boondon ke samandar pe wow 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 ilahi mera diya hai तो दोस्तों अब समय और नहीं रहा कि हम कोई और स्टोरी डिस्कस करें, कोई थॉट बात करें, क्यूट्स की बात करें या फिर कोई ऑडियो सुने। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए फाइनल सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल विंग्स के। तो कैसा लगा आपको ये आज का एपिसोड, सेगमेंट्स कैसे लगे, कोई आपके व्यूज हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं या फिर आप फीडबैक्स भेजना चाहते हैं तो बेझिझक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com एंड यस जी हाँ, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, पेज लाइक कर सकते हैं। हमारा यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan एंड यस फॉर योर इंस्टेंट मैसेजेस, व्यूज, फीडबैक्स यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस थ्रू स्काइप। आवर स्काइप आईडी इज रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट द वर्ल्ड हियर योर वॉइस एंड हु नोस योर स्टफ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन एंड ऑप्टिमिज्म इन अनदर पर्सन्स लाइफ। तो चलिए फिर पॉजिटिविटी फैलाइए एंड बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू फीडबैक अस। जी हाँ बिल्कुल, जरिए बहुत है, बस आप भेजने वाले बनिए। और जी हाँ, आई एश्योर यू आई विल डेफिनेटली शेयर यूर स्टफ ऑन दिस शो। तो दोस्तों अब मैं लेती हूँ इजाजत, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग, आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम 9 to 10 एवरी ट्यूजडे एंड रिपीट 4 to 5 एवरी वेनेसडे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय एंड कीप इंस्पायरिंग, कीप लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 एंड रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टेक केयर, बाय। हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे
जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ ओ ओ जैसे धीरे धीरे जलता है दिल, ये बेकरारी क्यों है, ये खुमारी क्यों है, आवारगी क्यों है हर मोड़ पर। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। कभी ये छुआ नहीं दिल को किसी ने हर आरज़ू, तू ही चैन ओ सुकून, तू ही मैं तो कहूँ तू ही है जिंदगी। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। Varieties of music. Thodi si sharab. Get more, so keep listening. Radio Udaan.